हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट बेनीपट्टी की तरफ से मैं आप लोगों को फिर में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट से ईरम। ईरम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आप लोगों के बीच में डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बहुत बढ़िया से निचोड़ करके बताए थे, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताए थे, आईटी जेईई मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार 2019 में डायमेंशनल एनालिसिस से, 2017 में 16 में थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों के बीच में सोल्यूशन करवाए थे। अगर आप लोग जो है डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो को सर्च करके देखें और उसको पढ़ें। आज देखिए मैं आप लोगों के बीच में ईरर के बारे में पढ़ाऊंगा। ईरर क्या है? देखो बच्चों, ईरर जो है एक्चुअली में होता है दो प्रकार का, सिस्टमेटिक ईरर एक, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेंडम ईरर। सिस्टमेटिक ईरर इसको बोलते हैं जिसमें आपको जो है कारण पता रहता है, ईरर किसके कारण हो रहा है, उस कारण को आप हटा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक ईरर। बट रेंडम ईरर जो होता है इसका कॉज कारण पता ही नहीं रहता है, जो कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो इसमें जो है ईरर कहां से आया, इसीलिए रेंडम ईरर जो होता है उसमें आप जो है कॉज पता नहीं रहता है, इसीलिए इस त्रुटि को आप हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ईरर को बोलते हैं रेंडम ईरर। एक्चुअली में ईरर क्या है, देखो सपोज हम बच्चों इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ये मार्कर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसको हम इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम के कारण अदर इंस्टीट्यूट अदर बच्चों को बोलते हैं इसको मेजर कीजिए, तो वो बच्चा जो है 5.2 सेंटीमीटर जो है इसको मेजर किया, तो आप बता सकते हैं एक्चुअल लेंथ ट्रू वैल्यू इसका है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मेजर करने पर पाया गया है 5.2 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं इसमें 0.2 सेंटीमीटर का ईरर है, जबकि इसका एक्चुअल वैल्यू मेन वैल्यू ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बट मेजर करने पर 5.2 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में ईरर है। तो इस प्रकार के जो ईरर होते हैं इसको आप दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो वे जो ईरर आते हैं आपको जो है सिस्टमेटिक ईरर में आते हैं। कुछ कुछ ईरर ऐसे भी होते हैं जिसको आप हटा भी सकते हैं। सपोज एक पेंडुलम को घड़ी को ले लीजिए, अचानक से जोर से हवा आई या कोई भूकंप ऐसे कुछ सपोज मान के चलिए जिसके कारण पेंडुलम बहुत तेज से मूव करना चालू कर दिया, तो ये आपको कॉज इसका पता नहीं रहता है कि किसके कारण जो है इस पेंडुलम में घड़ी के पेंडुलम में ईरर आया है, तो इस ईरर को आप हटा नहीं सकते हैं। ऐसा ईरर हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो या उसको पर्सनल ईरर भी होते हैं, तो ऐसा कुछ भी ईरर हो जिसको आप हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या उसका कॉज पता रहे, तो ऐसे ईरर को हम बोलेंगे सिस्टमेटिक ईरर। तो बच्चों यहाँ पे हम ईरर के बारे में बता रहे हैं कि ईरर क्या है। ईरर जो होता है जोनी बोले ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। सपोज यहाँ पर मान लीजिए कोई लेंथ यहाँ पर एल बराबर एक्चुअल वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, मीन्स ट्रू वैल्यू जो इसका है 5 सेंटीमीटर, बट इसको मेजर करने पर 5.2 आ गया, 5.3 आ गया, सपोज 5.2 है, तो बताइए 5 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर में डिफरेंस कितना रहा है 0.2 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं जो 0.2 सेंटीमीटर जो है ईरर है। तो आप लोग समझ गए होंगे ईरर जो होता है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बताएंगे, ईरर। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होती है उसी को हम क्या बताएंगे, ईरर। ईरर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमेटिक ईरर और रेंडम ईरर। सिस्टमेटिक ईरर किसको बोलेंगे, जिसका कॉज पता हो, कॉज पता हो उसको क्या बोलेंगे सिस्टमेटिक ईरर, जिसका कॉज पता नहीं हो कॉज अननोन, हो उसको क्या बोले रेंडम ईरर। सिस्टमेटिक अगर ईरर है तो उसको आप जो है हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको ईरर आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, कॉज पता है, उसका कारण पता है, तो क्या करेंगे उसको हम दूर कर सकते हैं। बट कुछ ना कुछ ईरर होता ही है, कितना भी आप दूर कर लीजिए कुछ 0.11% ऐसे करके कुछ ईरर आते रहते हैं, तो आपको रेंडम ईरर जिसका कॉज अननोन हो। देखो बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ईरर में मीन वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट ईरर इन एक्सटर्म क्या है, मीन एब्सोल्यूट ईरर क्या है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ईरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बताएंगे, ईरर। ईरर भी बता दिए, एक बताया सिस्टमेटिक ईरर, दूसरा बताया रैंडम ईरर। सिस्टमेटिक ईरर जिसका कॉज पता हो, किसके कारण जो है कोई इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट में क्या उसका इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका कॉज पता,
क्या बनेगा सिस्टमेटिक किरण, रैंडम मिरर जिसका कॉज पता नहीं रहता है उसको क्या बनता है रैंडम मिरर, सिस्टमेटिक किरण है तो उसको हटा सकते हैं, रैंडम मिरर को हम लोग देखा सकते हैं। तो देखो बच्चों आज हम जो है हम बात करेंगे इरर के टॉपिक बाय टॉपिक पर, उसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन और आंसर भी करवाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है मीन वैल्यू, सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए इरर जो है सपोज दैट यहाँ पर इरर दिया 6.1 6.2 6.3 6.4 और 6.3 यहाँ पर क्या है बच्चों 5, ये आपको बारी बारी से यहाँ पर क्या है बच्चों इरर है, इसको मान लीजिए x1 x2 x3 x4 और यहाँ पर क्या हो गया x5, तो हमको क्या निकालना है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा मीन वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 5। यहाँ पे क्या करेंगे और को जोड़ देंगे और जितने भी टर्म यहाँ पे उनसे डिवाइड कर देंगे हम 6.1 6.2 6.3 6.4 और 6.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 6, तो 5 1 2 3 4 5 6 13 1.5 उसको क्या करेंगे हम काटेंगे तो ठीक है बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो गया 31.5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.3। देखो बच्चों यहाँ पे इरर दिया हुआ है x1 बराबर 6.1 6.2 6.3 6.4 और 6.5, सपोज दैट कोई लेंथ ले लीजिए कोई वायर का लेंथ है वे आपको कितना है 6 सेंटीमीटर है, बट उसको मेजर करने पर 6.1 6.2 6.3 6.4 और 6.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं जिसका मीन वैल्यू क्या है, तो कितना कहेंगे जितने भी इरर यहाँ पर दिया गया है सबको ऐड कर दीजिए और जितने इरर की संख्या है उसको उनसे डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएंगे मीन वैल्यू। आपको समझ गए होंगे जो इरर दिया गया है टोटल इरर को ऐड कर देना है और जितने इरर दिए गए हैं उतने नंबर ऑफ इरर के इरर की संख्या को क्या कर संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को बच्चों क्या आ जाएगा मीन वैल्यू, क्या आ गया मीन वैल्यू बच्चों 5.1। आपको इसका हम लास्ट में फार्मूला को भी दिखाएंगे या अभी आपको फार्मूला लिखना है, देख लो बच्चों मीन वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा मीन वैल्यू का फार्मूला, अब इसको डिनोट करते हैं हम एक्स के ऊपर में नेगेटिव लगा दीजिए इसको बोलते हैं एक्स बार, इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 एक्स के पावर एन डिवाइड बाय यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों हम एन, मतलब यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x1 मतलब जितने भी ऊपर में इधर को ऐड कर रहे हैं और जितनी भी संख्या वगैरह थी उन्हीं से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको आ गया मीन वैल्यू का फार्मूला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मीन वैल्यू समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट इरर इन ईच टर्म, जो एब्सोल्यूट इरर मतलब यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 है जितना भी मतलब यहाँ पर 5 इरर दिया गया है तो प्रत्येक इरर का एब्सोल्यूट इरर क्या होगा, मतलब प्रत्येक टर्म का एब्सोल्यूट इरर क्या होगा, तो देखो बच्चों एब्सोल्यूट इरर हम इस टर्म का कैसे फाइंड करते हैं इसको हम मिटा देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग फाइंड किए थे मीन वैल्यू बराबर 6.3, अब देखो बच्चों मुझे क्या निकालना है एब्सोल्यूट इरर ईच टर्म, तो एब्सोल्यूट इरर को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में रेटिंग दे देंगे यहाँ पे लिख दिए 1, इसका हो जाएगा मीन वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट इरर इन x1, एब्सोल्यूट इरर इन क्या हो जाएगा x1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे वैल्यू कितना दे दिया 6.3 माइनस 6.1 इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 0.2, उसके बाद निकालना है डेल्टा x2 तो मीन वैल्यू माइनस x2, मीन वैल्यू का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया 6.2 6.3 में से अगर 6.2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों 0.1, उसके बाद क्या निकालेंगे डेल्टा x3 x माइनस क्या हो जाएगा x3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 0, उसके बाद निकाल डेल्टा x4 तो हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा x4, उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 0.1, उसके बाद देखो बच्चों डेल्टा x के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस x के पावर 5, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ देखो माइनस 0.0 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो है तो माइनस 2, मोबाइल बंद कर दीजिए उसको। देखो बच्चों अभी हम बात क्या कर रहे थे एब्सोल्यूट इरर इन ईच टर्म,
प्रत्येक टर्म का एब्सोल्यूट यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखे डेल्टा एक्स वन, इसको बोल इसका नाम क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट ईयर इन फर्स्ट टर्म। तो क्या करेंगे मीन वैल्यू में से जो ईयर दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एब्सोल्यूट ईयर आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर उसी प्रकार डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर और डेल्टा एक्स फाइव का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप लोग जो है सो मीन वैल्यू भी समझ गए, एब्सोल्यूट ईयर इन सिस्टम भी समझ गए। अब हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट ईयर, मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या होता है। देखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं इटा देते हैं और इसका वैल्यू यहां पर लिख देते हैं डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर और डेल्टा एक्स फाइव का वैल्यू यहां पर आ चुका है। तो मीन एब्सोल्यूट ईयर देखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट ईयर को क्या करेंगे हम डेल्टा एक्स के ऊपर में बार लगा देंगे हम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स वन मोड लगा देना है प्लस डेल्टा एक्स टू मोड प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स के पावर फाइव डिवाइड बाय यहां पर क्या कर देंगे हम फाइव। ध्यान दो बच्चों अगर आपको मीन एब्सोल्यूट ईयर अगर आपको फाइंड करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेल्टा एक्स के पावर डिग्री लगा दीजिए डेल्टा एक्स की पावर बार, इसी को बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट ईयर। यहां पे जितने भी प्रत्येक टर्म का जो एब्सोल्यूट ईयर लाए हैं उसमें मोड लगा करके ऐड कर दीजिए और जितने नंबर जो है जितनी संख्या एब्सोल्यूट ईयर के है प्रत्येक टर्म के, प्रत्येक टर्म के एब्सोल्यूट ईयर की संख्या है उसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट ईयर। लेकिन मोड लगा करके कहने का तात्पर्य यह है जो प्रत्येक टर्म के एब्सोल्यूट ईयर को हम पॉजिटिव करके ऐड करना है। मोड का मतलब यह होता है जैसे कि माइनस थ्री में मोड लगा दीजिए थ्री हो जाएगा, फोर में मोड लगा दीजिए तो फोर होगा, माइनस फाइव में मोड लगा दीजिए तो फाइव होता है। मोड का मतलब यह होता है मोड के अंदर कोई भी संख्या हो तो माइनस है तो प्लस ऊपर की निकलती है। देखो बच्चे इसको मिटा देते हैं और बारी बारी से इसका वैल्यू गेम पुट कर देते हैं और डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.1 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डेल्टा एक्स 0.1 मोड प्लस 0.2 मोड प्लस 0 मोड प्लस 0 मोड नीचे में कर देते हैं माइनस 0.1 मोड प्लस माइनस 0.2 इसी टाइप के कुछ आए थे डिवाइड बाय यहां पर क्या कर देंगे फाइव। देखो बच्चों 0.1 0.2 तो क्या 0.3 और माइनस का हो जाएगा प्लस 0.1 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर 0.6 बाय 5 इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 5 और 5 2 10 यहां पर क्या आ गया बच्चों 0.12। देखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट ईयर आ गया 0.5 तो यहां पर साइड में नोट्स कर ले डेल्टा एक्स की पावर क्या आ गया यहां पर मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या आ गया बच्चों डेल्टा एक्स की पावर बाहर लगा दीजिए तो 0.1। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या है, प्रत्येक टर्म का जो एब्सोल्यूट ईयर है उसको पॉजिटिव बना दीजिए ऐड कर दीजिए जितने एब्सोल्यूट ईयर है उतनी संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो मीन एब्सोल्यूट ईयर आ जाएगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए मीन वैल्यू 6.3 आया है, मीन वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 6.3 और मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या आ गया है 0.12। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं और मीन एब्सोल्यूट ईयर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर डिराइव करते हैं। देखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट ईयर इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा एक्स के पावर एन और डिवाइड बाय यहां पर क्या कर देंगे। देखो बच्चों कोई भी ईयर का प्रत्येक ईयर का एब्सोल्यूट मतलब प्रत्येक टर्म का एब्सोल्यूट ईयर जैसे यहां पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव दिया गया है प्रत्येक टर्म का इच टर्म का एब्सोल्यूट ईयर को फाइंड कर लेना है उसको मोड में लगा देना है। मोड का मतलब पॉजिटिव बना करके ऐड कर देंगे और जितने भी एब्सोल्यूट ईयर है प्रत्येक टर्म के उतनी ही संख्या से डिवाइड कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट ईयर आ जाएगा। देखो बच्चों मीन वैल्यू आप लोग समझ गए, एब्सोल्यूट ईयर इच टर्म भी समझ गए और मीन एब्सोल्यूट ईयर भी समझ गए। अब लास्ट में क्या आता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
तो ध्यान से इसको सीखे रिप्रेजेंटेंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन ये बहुत ही आसान है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, मिटा देते हैं। सॉरी देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, मीन वैल्यू प्लस माइनस, मीन वैल्यू प्लस माइनस, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो बच्चों रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आपको हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों आपको रिप्रेजेंटेशन भी समझ गए, और इस पे आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, रिलेटिव एरर क्या है। देखो बच्चों रिलेटिव एरर पर बात करते हैं, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है। अच्छा रिलेटिव एरर को कभी कोई कोई बुक्स में फ्रैक्शनल एरर भी कहा गया है, कहा है सीटीओएनआर फ्रैक्शनल एरर। तो को बच्चों रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, इसी को क्या बोल देंगे हम रिलेटिव एरर। डेल्टा एक्स के पावर में बार लगा दीजिए, इसको क्या बोलेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, इसी को हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एरर। क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, रिलेटिव एरर या इसी को क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर, ध्यान दीजिए मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, ये क्या हो जाएगा बच्चों रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर भी आप लोग समझ गए होंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम परसेंटेज एरर क्या है। देखो बच्चों परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज एरर हो जाएगा, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, और उसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर। और यहाँ पे क्या आ गया था बच्चों, देखो यहाँ पर रिलेटिव एरर, तो आप लोग रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों आप लोग जो है सो मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर इन स्टार मीन एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंटेशन रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर, उसके बाद लास्ट में क्या आती है क्वेश्चन एंड आंसर। देखो बच्चों अपने लोग जो इस ये जो क्वेश्चन किया था x1 x2 x3 x4 x5 का, तो अपने लोग क्या किए थे मीन एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू फाइंड कर लिए थे, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा एक्स। मीन वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले थे अपने लोग है 6.3 प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 0.12। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों जो मीन एब्सोल्यूट एरर में प्लस माइनस ये लगाते हैं, हो सकता है 6.3 से 0.12 ज्यादा हो या कम हो, आप परफेक्ट ये नहीं कह सकते हैं जो किसी भी कंडक्टर का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये एरर इसमें 0.1% बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, अब डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं। एरर का मतलब ये समझ लीजिए ना, अगर कोई बच्चों से पूछे क्या आप जो है सो अपने स्कूल में जो है सो कितना मार्क्स मैक्सिमम ला सकते हैं, तो बताएंगे आसपास, ये डेफिनेटली नहीं बताएंगे जो मुझे 100 मार्क्स आएंगे या 90 मार्क्स आएंगे, ये कह सकते हैं जो 80 मार्क्स के आसपास। तो आप लोग बच्चों एरर के बारे में समझ गए, अब रह गया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।